और यहां बैठे तालिबान सोच रहे हैं कि ये योगी मोदी हटें और हम इनको मजा चखाएं। और अगर तुमने इनको खो दिया तो फिर अगले 50 साल तक, जब तक हमारी जिंदगी, मैंने इसलिए 50 बोला, जो बैठे हैं कोई 50 जिएगा, कोई 20 जिएगा, कोई 10 जिएगा, भगवान के हाथ है वो, तो सिवाय रोने के हमारे पास कुछ नहीं होगा, हाथ मल मल करके छाती पीटने के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं होगा। मैं उनका पक्ष सिर्फ इसलिए लेता हूं कभी कभी क्योंकि इन्होंने हमारे धर्म की सेवा की है, इन्होंने निष्काम होकर के हमारे देश की सेवा की है। ये वंशवाद को लेकर के नहीं लड़ रहे, इन्होंने अपने बच्चों के नाम एफडियां नहीं कराई हैं, इन्होंने कोई अपने 800 करोड़ के बंगले नहीं बनाए हैं, इन्होंने कोई इत्र की फैक्ट्रियां भी नहीं लगाई हैं। इनका जो कुछ है वो देश के लिए है, देश के हित में है। एक प्रधानमंत्री की मां और 10x10 के कमरे में रहती हो तो उस बंदे के तो चरण धो के पीने चाहिए हिंदू समाज को। ये देश त्याग का पुजारी है और इस त्याग को भी पूजना पड़ेगा। हो सकता है यहां कोई उनके विरोधी दल के बैठे हो, लेकिन अगर हिंदू हो तो फिर विरोध छोड़ दीजिए, बनता ही नहीं है विरोध करना भैया, किसी भी एंगल से विरोध बनता ही नहीं है। वर्तमान समय तो कहता है एकजुट होकर के आंख बंद करके समर्थन करो, बस जो मेरे देश के साथ खड़ा है, जो मेरे धर्म के साथ खड़ा है, जो रामकृष्ण के साथ खड़ा है, जो गाय माता के साथ खड़ा है, हमको उसी के साथ खड़े होना है, बस बात खत्म। पांच सौ वर्ष का कलंक धुल रहा है अयोध्या में।